waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. बालकनी डोर खुला रहता है ना, तो इतनी ज्यादा धूल मिट्टी होती है। और वैसे भी सारी पॉटिंग मैंने किचन में करी थी, क्योंकि इधर पूरा कारपेट है ना, तो किचन में ही करना इजी होता है। और किचन से पॉट्स लेके गई बालकनी, तो पूरी मिट्टी मिट्टी काफी गिरी थी, तो ये सब क्लीन किया है अभी। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और केयूष अभी अपना रूम क्लीन करने गए। आप लोगों ने बालकनी डेकोर तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। अभी तो धूप में कुछ पता नहीं चल रहा है, काफी धूप है। मेहनत तो काफी टाइम से चल रही है, पर कल पूरा दिन लगा के मैंने किया। कल थर्सडे था, मेरा फास्ट भी था, पता है। मैंने सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर ली, आम चढ़ा दिया, और फिर मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैं काम में लग गई और भूल ही गई कि चाय भी नहीं पिया, लाइक कुछ भी नहीं खाया पूजा करने के बाद। और सीधे जाके 3 बजे जब येशा को लेके आई हूँ, तब मैंने मैंगो खाया। चाय तो फिर पी ही नहीं कल मैंने। पर वही होता है, पता है, जो काम करने में आपको मज़ा आता है ना, आपको अच्छा लगता है, वो काम करते टाइम ना आपको भूख प्यास लगती है, ना आपको कोई कमजोरी होती है, ना आप टायर्ड फील करते हो। टायर्डनेस आती है, बाद में आती है। और अनुज भी बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम में, तो वो भी हेल्प नहीं कर पाए, तो सब कुछ मैंने खुद किया। बट आई एम हैप्पी, जैसा चाहा था वैसा ही हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अनुज का जैसे कभी ऑफिस में काम कम ज्यादा होता रहता है, वैसे ये भी तो मेरा काम ही है, तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी आराम कभी खूब सारा काम, बट मजेदार काम। केश ने भी खूब एंजॉय किया बालकनी डेकोर के टाइम, है ना, हेल्प किया ना मम्मा की। सूजी का जो इंस्टेंट मिक्स आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, कि ब्रेकफास्ट के लिए इडली बना सकते हैं, डोसा, उत्तपम, उपमा, वो मैं बना के रख देती हूँ। यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे और मंडे की भी छुट्टी है, और सैटरडे यानी कि कल मेरा वैक्सीनेशन भी है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह का कुछ इंस्टेंट मिक्स बना हुआ रहेगा। मस्टर्ड सीड, सरसों, अदरक, सूखी मिर्च, हरी पत्ता, 1 चुटकी हींग। आप चाहो तो चने की दाल और उड़द दाल भी ऐड कर सकते हो, बच्चों को पसंद नहीं आता इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। काजू, 1 चम्मच नमक, और 4 कप मैंने सूजी डाला है। बस लो फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बस इसको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रख लूंगी। ये कितना सही लग रहा है ना, यहाँ पे मसाला पिस रहा है और यहाँ पे मसाला। सही बैकग्राउंड है। बन गया धनिया पाउडर। मसालादानी भी रिफिल होके तैयार हो गया, इनकेस अनुज को कुछ पकाना पड़े तो सब कुछ सामने मिलेगा। तेल भी रख दिया है, और ऐसे ही काम करते करते थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी हो जाती है। चलो माई हेल्पर, चलो भाई बोझा उठा के चले। और ये देखो दोस्तों क्या हो गया, जला लिया मैंने। आजकल कुछ ज्यादा ही जला कुटा सब हो रहा है। हम चले येशा को लाने, और हर तरफ गार्डन में सब काम कर रहे हैं। अभी तो और 3 दिन की छुट्टी है ना। कितना सुंदर लगता है ये पिंक फ्लावर। मैंने अनुज को बोला मेरा अपना घर होगा ना, तो मैं यही वाला ट्री लगाऊंगी। ऑर्नामेंटल ट्री बोलते हैं ना इसको। बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। और ये देखो सरसों के खेत लग रहे हैं। उनका गार्डन इतना मस्त है ना, जिनका वो पिंक फ्लावर दिखाया ना, उन्हीं का ये पूरा बड़ा सा गार्डन है। उन्हें ग्रीन हाउस भी बना के रखा है। और इस वाले जगह की देखो क्या हालत हो गई है, मैंने ही किया है। वो प्लांट स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ था ना, तो उसके ऊपर की सारी चीजें नीचे रखी हुई है, क्योंकि वो स्टैंड मैं बालकनी में लेके गई थी। तो अब सोच रही हूँ ये सब इकट्ठा करूँ, मेनली ना येशा के बोर्ड गेम्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पैर बहुत दुख रहे हैं, इतना ऊपर नीचे कर रहा है ना मैंने बालकनी में, तब तो बड़े मजे आए थे, अब समझ में आ रहा है। तो इस बास्केट पे मैं सोच रही हूँ कि सारे बोर्ड गेम्स रख के, और देखती हूँ कहाँ रखती हूँ। मैं भी उसका जो कपड़ों वाला कबर्ड है ना, वहीं रख देती हूँ। और जो डेकोर वाली चीजें थी प्लांट स्टैंड पे, वो अभी यूज नहीं करूंगी। तो ये है मेरा जादू का पिटारा। इस बॉक्स में मेरे सारे DIY और डेकोर की चीजें रहती हैं, तो देखती हूँ इसी में इसको मैनेज करके सेटल करती हूँ। एक्चुअली दिवाली के दिए एंड ऑल ना, वो सारा कुछ रहता है यहाँ पे, तो जगह बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, बट हो जाएगा, मैनेज कर लिया। It's gonna take a lot,
cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Ye kitna ki leke jao Kayush, ye aap leke jao didi ki help karao. Acche se pakdo didi ki help karo. Acche se girana mat. Only time will tell. What do you keep telling me nothing? अभी के लिए तो क्लियर अप करके यहीं पे बॉक्स रख दिया है, ब्लैंकेट से ढक दिया है और आयरन टेबल इधर था ना, इसको इधर कर दिया है कि एक साइड में रहेगा। बाद में अनुज और मैं मिलके ये बॉक्स नीचे रखाएंगे, अभी तो ये बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठने वाला। शाम हो गई है, धूप थोड़ी सी कम हुई है, कम तो नहीं अभी भी ज्यादा है, बट प्लांट्स को पानी दे देते हैं सुबह शाम, आजकल देना जरूरी हो जाता है। Still I try to connect with you through your eyes. प्लांट्स को पानी पिलाते पिलाते मुझे प्यास लग गई। बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, अब बकेट में पानी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दिन भर बहुत ज्यादा धूप थी तो सारे प्लांट्स लाइक मिट्टी एकदम सूख गई। और कल दिन भर मैं बाहर थी ना बालकनी के काम में, मैं भी सूख गई हूँ, मेरा पूरा स्किन जल गया है। मैंने गलती कर दी, सनस्क्रीन भी नहीं लगाया कल सुबह जब काम करी थी, पूरे दिन मैं बाहर थी। बच्चे पार्क जाने का बोल रहे तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ना मैं पहले डिनर बना लेती हूँ। मैंने सोचा था दिन में ही बना लूंगी पर ना वीडियो अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार फेल्ड आ रहा था तो उसी में काफी सारा टाइम चला गया। ये 12-13 मिनट का वीडियो आप लोग देखते हो और ऐसे खत्म हो जाता ना, इसको शूट होने में, बनने में, एडिट होने में, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ रही तो बस उसको सॉल्व करने में कितना सारा टाइम जाता है। आज तो इतना मन कर रहा है बाहर से खाना खाने का। एक तो फ्राइडे है, मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया है कि मेरा ना लाइक मोमोज से इंट्रोडक्शन हुआ था दिल्ली आने के बाद। और जैसे ही ऑफिस से निकलती थी वहां पे तो हर एक नुक्कड़ पे एक ठेले वाले भैया मोमोज बेचते हुए मिल ही जाते हैं, तो मेरा ना एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन हो गया था कि एवरी फ्राइडे मैं मोमोज लेके घर जाती थी और खाती थी पीजी में। तो एवरी टाइम कोई साथ में तो होता नहीं था और मुझे अकेले ना रोड पे खड़े होके खाना बहुत ही अजीब लगता था, इसलिए मैं हमेशा पैक करा के ले आती थी। और ये जो ट्रेडिशन बना ना ये हमेशा कंटिन्यू रहा, लाइक शादी के बाद भी हम दिल्ली ही थे तो अनुज हमेशा खिला देते थे। मैं कोलकाता भी जाती थी ना, मम्मी को भी पता था, मम्मी भी घर पे मोमोज मंगवा देते थे। तो कनाडा आने के बाद इस ट्रेडिशन का एंड हो गया, अब यहाँ पे वो फ्रोजन वाले मोमोज में वो मजा नहीं आता। हम लेके तो आते हैं डम्पलिंग्स बट वो मजा नहीं आता है, वो चटनी अलग ही होती है। और मुझे ना चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है, चिली चिकन और नूडल्स मेरा फेवरेट है और घर पे किसी को नहीं पसंद, लेकिन ऐसा खा लेती है बट वही है चिली चिकन थोड़ी मिर्ची लगती है। अनुष को तो बिल्कुल चाइनीज नहीं पसंद है और यहाँ पे ना अच्छा चाइनीज नहीं मिलता, लाइक इंडो चाइनीज वाला चाइनीज नहीं मिलता। और कुछ अगर मंगवा भी लो ना, मन करता है चलो मंगवा भी लो टेक अवे, बट खाने के बाद ना वो खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, टेस्ट वैसा होता ही नहीं है, फिर लगता है बेकार ही मंगवाया है यार, उससे अच्छा तो चाइनीज मैं खुद ही बना लूं। बट वही है कि खुद बना के खाने में ना वो मजा नहीं आता है। हाँ बट एक दिन पहले बना के रख दो और नेक्स्ट डे आराम से बैठ के कुछ ना करो और खाओ, फिर ज्यादा मजा आता है, उसको मैं ज्यादा एंजॉय करती हूँ। चलो जब कुछ समझ ना आए और जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो क्या काम आता है, अंडे। ये वाला एग ना अनुज लेके आए हैं, उनके कंपनी में कुलीग है या क्लाइंट है पूछूंगी, उनके घर में चिकन है तो फ्रेश ऑर्गेनिक प्रॉपर ऑर्गेनिक एग्स। यहाँ पे काफी लोग घर पे हेन रखते हैं, चिकन रखते हैं। ये क्या कुलीग है आपके या क्लाइंट है? तो अब लेके आओगे हमेशा? हर हफ्ते एक डब्बा। हाँ खत्म तो हो ही जाता है हमारे घर पे, एक हफ्ते में एक डब्बा। Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. 'Cause we've been through hell. अभी हम गए थे पार्क, वापस आ रहे हैं और इतनी ज्यादा धूप है, न स्नो में चैन है, धूप में चैन है, चैन नहीं है बस। 7:30 होने वाले, पता ही नहीं चलता यहाँ पे धूप का। 10:30-11 बजे तक बिल्कुल उजाला ही उजाला रहता है, ऊपर से आज फ्राइडे, 3 दिन की छुट्टी, मौजा ही मौजा है इनकी।
पार्क में खेल लेते हैं, इनके स्कूल के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं ना इसी टाइम पे, जो भी आसपास रहते हैं यहाँ पे, तो वैसे भी स्कूल में जो भी है वो आसपास ही होते हैं क्योंकि एरिया का अलॉटेड होता है स्कूल, तो इनकी तो अब बातें भी हो जाती है भाई हाँ इवनिंग में हम इस टाइम पे पार्क में आएंगे, बस शुरू हो जाते हैं इवनिंग होते पार्क चलो पार्क चलो। कैसे केक के लिए लड़ रहे हैं हाँ ये देख शुगर का टेस्ट करा क्या है केक खा रहे पापा के जैसे हो गया ना मेरे पापा ना उनको शुगर है बॉर्डरलाइन रहता है लेकिन वो मेडिसिंस नहीं लेते हैं खुद परहेज करके उसको ठीक रखते हैं, तो जब भी ब्लड टेस्ट होता है ना उनका करा के आते हैं और जिस दिन करा के आते हैं उस दिन वो फुल ऑन मिठाई से लेके मतलब एवरीथिंग जो नहीं खाना चाहिए ना वो खाते हैं आज खा ले तो आज पर टेस्ट करा गया है। और जब दिल्ली में मम्मी पापा हमारे साथ रहते थे ना येशा के बाद, येशा जब हुई थी तो मम्मी पापा काफी फ्रिक्वेंटली रहते थे, तो याद है हमारे घर के सामने इंदिरापुरम में रहते थे तो घर के सामने आदित्य मॉल था और वहां पे डोमिनोज पिज्जा था, तो पापा अगर टेस्ट का रिपोर्ट अच्छा आ गया तो मैं तुम लोग को पिज्जा खिलाऊंगा। ये तो खाती नहीं थी तब, तो ये दुदू पे थी बस और हम लोग मस्त पिज्जा खाते थे और पापा बोलते थे एक्स्ट्रा चीज डलवाना, वो जैसे तोड़ते तो वो चीज का लेयर आता है ना उनको वो चीज बहुत एक्साइटिंग लगती थी। मोस्टली सारे बर्तन आ गए, ये बच गए। चाय वाले बर्तन वैसे भी ना डिश वॉशर में उतने अच्छे से साफ नहीं होते और कास्ट आयरन तो मैं वैसे भी हाथ से ही धोती हूँ। आज सिर्फ इसमें रोटी बनाई थी इसलिए मैंने साबुन भी यूज नहीं किया, साबुन मैं तभी यूज करती हूँ जब पराठा बनाती हूँ या फिर कोई तेल की चीज बनाती हूँ। What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. चलो भाई किचन भी सारा साफ हो गया, डिश वॉशर में बर्तन धुल जाएंगे, सुबह सुबह क्लीन मिलेंगे, सिंक में भी कोई बर्तन नहीं है, सारे मैंने धो डाले। और पता है क्लीन किचन का इक्वेशन क्या होता है? क्लीन किचन इक्वल टू हैप्पी मॉर्निंग, डर्टी किचन इक्वल टू सैड मॉर्निंग। सही बोला ना? आज बहुत लेट हो गया, 9 o'clock होने वाले हैं। पॉली नो लाइक दिस, इट्स लाइक अ बिग बार्बी डॉल। बिग बार्बी डॉल, मैं बार्बी डॉल। हाँ जेंटली हेयर को करना ठीक है, बार्बी डॉल के हेयर बहुत सॉफ्ट है। कितना अच्छा लगता है ना, नींद आ जाती है ऐसी रात का टाइम, हाथ ही कोई फेर दे बालों में तो नींद आ जाती है। मस्त सेवा हो रही है। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपने ये सिंपल सा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ अमेजिंग मेमोरीज। डैडी स्लीपिंग, ओके से इट स्लोली बिकॉज़ डैडी इज स्लीपिंग। कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ स्लीपी स्लीपी मेमोरीज। कोई ना सो रहे डैडी, प्रिटेंड कर रहे हैं। I fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we live.